दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार न्यू ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल माई ब्लॉग चैनल SBH07। दोस्तों आप लोगों को आज रंगाराज पार्क दिखाने वाला हूं। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जगह है, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों सीधा गया वाला रोड अदर स्टेट आंध्र प्रदेश और लेफ्ट में गया वाला रोड अदर स्टेट उड़ीसा के मलकानगिरी जिला को जोड़ता है। ओ, एक बात बताओ तो यादों में मरते हो या तुम हमसे मोहब्बत करते हो। दोस्तों इसी रोड से होकर कलेक्टर ऑफिस और हॉस्पिटल के लिए जा सकते हैं। जमीने रो रो के समंदर भर दिए, क्या तुम भी रो रो के नदियां भरते हो। कौन है मुझसे पूछे मेरी हम सफर हर बारी, तेरे बात बताओ तो यादों में मरते हो क्या तुम हमसे मोहब्बत करते हो। दोस्तों अभी हम लोग अंदर की ओर जाते हैं पार्क में। पार्क मेरी और उनकी मोहब्बत में हम तुमसे डरते थे तुम मनसे डरते हो। एक बात बताओ तो यादों में मरते हो। हाय दोस्तों कैसे हो आप सब, बढ़िया होंगे। मैं ब्लॉग चैनल SBH07 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को सुकमा का रंगाराज सागर उद्यान दिखाने वाला हूं। तो गाइस आप लोग वीडियो में बने रहिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये देख सकते हो। आइए चलते हैं उद्यान की ओर। दोस्तों यहाँ पर और एक गेट बनाया गया है जो अंदर जाने का है, देख सकते हैं भैया बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर शाम के टाइम में थोड़ा सा भीड़ लगा रहता है। ये देखिए कुछ भाई लोग वहाँ पर सेल्फी खिंचवा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो दूर से। आप लोग भी इस पार्क में घूमने आइए अगर आप लोग कभी सुकमा आएंगे या सुकमा वासी देख रहे हो तो उन लोग भी यहाँ पर आइए घूमिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस हम लोग पार्क की ओर अंदर चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या देखने लायक है। देख सकते हो यहाँ पूरा तालाब है, तालाब में पूरा जलकुंभी लगा हुआ है इसलिए पानी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ का लोकेशन बहुत ही बढ़िया है यार, आप लोग यहाँ पर एक बार घूमने जरूर आइए अगर आप कभी सुकमा आएंगे तो। रंगाराज पार्क में बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, आप लोग देख सकते हो लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर शाम के टाइम में इसको जलाया जाता है। दोस्तों चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए यहाँ का नज़ारा देखने लायक बनता है यार। इतना ना करो तुम यार कि दिल तोड़ना पड़ जाए,
दोस्तों आप लोगों को हम लोग पूरा पार्क को चक्कर लगा के दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या है। फैमिली वाले हो तो यहाँ पर बच्चे लोगों को जरूर लेके आइए, बहुत ही खूबसूरत सा जगह है दोस्तों। यहाँ पर शुल्क भी नहीं लिया जाता है, आप फ्री में आके यहाँ पर घूम सकते हो। तुम हम पे ज्यादा मरते थे या उन पे मरते हो, मैं अब तो चला गया हूँ, अब तो जवाब दो क्या तुम हमसे अब भी। दोस्तों ये रंगाराज पार्क तालाबों के बीच में बना हुआ है, इसके चारों ओर तालाब बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। दोस्तों आप लोग देख सकते हो वहाँ से इधर पानी निकासी होता है, वो देखिए वहाँ पर जाल लगा हुआ है, वहीं से उधर पानी जाता है यहाँ का तालाब। बहुत बढ़िया चिड़िया बना दिया गया यार, और हाई लव सुकमा, अपना सुकमा है भाई, बहुत ही खूबसूरत सा ये रंगाराज पार्क। दोस्तों आप लोग भी एक बार जरूर आइए, ये आप लोग देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है यहाँ पर, और बीच में रोड बना दिया गया है टाइल्स का, और रोड के दोनों साइड में नज़र आ रहे हैं भाई। और यहाँ पर आप ज़रूर आइए और इस जगह को देखिए, घूमिए। अगर आप सुकमा ज़िले से हैं तो हम लोग भी आइए, जो बाहर से आए हैं सुकमा में, तो भाई साहब आप लोग भी यहाँ आइए। अगर यहाँ पर आप लोग फैमिली के साथ आते हो तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है फैमिली के साथ एंजॉय करने, खासकर बच्चों के लिए। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।